हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी वास्तु दोष के बारे में, यानी कि वास्तु टिप्स बताऊंगी आपको कि आपको कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, कौन से काम आपके लिए अच्छे होंगे जिससे घर में आपके बरकत आएगी और आपका घर में धन आएगा और अशांति दूर भागेगी आपके घर से। तो वो कौन कौन से कार्य हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए इसको, ताकि सभी को जानकारी हो कि वास्तु दोष के अनुसार हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि घर में झाड़ू होती है उसको हम लक्ष्मी मानते हैं, क्योंकि उससे घर की सफाई होती है। तो हम उसको झाड़ू को कहीं भी आप झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि झाड़ू को खड़ा नहीं करते हैं क्योंकि अशुभ होता है उसे खड़ा करना, ना ही उसके पैर लगाया जाता है। अगर पैर गलती से टच भी हो जाता है तो उसको माथे पे लगाते हैं, ना ही उसे लांगना चाहिए, ना यानी कि झाड़ू अगर पड़ी हुई है तो उसके ऊपर से नहीं जाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे या ना तो वो पैरों के बीच में आए, ना ही उसको कोई लांग सके और ना ही वो दिख सके। ऐसी जगह पे झाड़ू को रखनी चाहिए। इससे क्या होता, अगर आप उसको लांगेंगे, इसके ऊपर पैर लग जाएगा तो क्या होगा, उससे घर में बरकत और धनाधन के स्रोत होते हैं, उससे वर्दी रुक जाती है अगर आप ऐसा करते हैं। और अगर झाड़ू को आप खड़ा नहीं करते हैं, आप उसको लक्ष्मी मानते हैं, उसके पैर नहीं लगने देते हैं, तो आपके धन के स्रोत होते हैं, उसमें वृद्धि होती है, घर में बरकत आती है उससे। नेक्स्ट है कि पूजा घर में आपके तीन गणेश नहीं होने चाहिए। तीन गणेश की कभी भी पूजा नहीं होती है, यानी आपके एक या दो तक हो सकते हैं गणेश, लेकिन तीन गणेश नहीं होने चाहिए, अन्यथा क्या होगा, घर में आपके अशांति उत्पन्न हो सकती है। तो ये भी नहीं करना चाहिए आपको, इसका भी ख्याल रखें कि आपके पूजा घर में तीन गणेश नहीं होने चाहिए। आप अगर तीन हो गए तो आप दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि तीन माताओं, यानी कि तीन जो भी माता होती है, तीन माता नहीं होनी चाहिए, और दो शंख होते हैं उनका एक साथ पूजन भी वर्जित होता है, एक साथ उनका भी पूजन नहीं किया जाना चाहिए। मंदिर में दो शंख की पूजा नहीं होनी चाहिए, तीन माताओं की नहीं होनी चाहिए, आप चार की पांच की कर सकते हैं। धूप होती है, आरती, दीप, पूजा होती है, अग्नि पूजा की जो अग्नि होती है आदि को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब हम फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह की जो झूठन होती है वो उस धूप पे लग जाती है, तो फूंक मार कर नहीं बुझाना चाहिए। और पूजा कक्ष में आपके धूप, अगरबत्ती व हवन कुंड होता है उसको हमेशा दक्षिण पूर्व में रखना चाहिए, वो शुभ होता है आपके लिए दक्षिण पूर्व दक्षिण में रखना। नेक्स्ट है कि भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। ये तो सदियों से चलता आ रहा है, बुजुर्गों से चलता आ रहा है, बुजुर्ग हमें बताते हैं कि जो पहली रोटी होती है वो गाय के लिए होनी चाहिए और लास्ट रोटी होती है वो कुत्ते के लिए होनी चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कुत्ते की रोटी निकालते हैं, लेकिन गाय के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहली रोटी है वो गाय को दें। आप उस पर थोड़ा सा घी लगा के, थोड़ा सा चीनी या गुड़ डाल के दे सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा गाय के लिए। नेक्स्ट है कि जहाँ पर पूजा स्थान होता है, आपका पूजा स्थान है वो ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण में पूजा स्थान होना शुभ है। अगर आपकी जगह नहीं है ईशान कोण में तो आप कोई दिक्कत नहीं और कोई जगह रख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शुभ ईशान कोण में होता है। पूजा घर में या पूजा स्थान में रोज सुबह की जो सुक्त पुरुष सुक्ता व हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे क्या होगा आपके घर में शांति बनी रहेगी और सुख शांति बनी रहेगी आपके घर में, तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट है, कभी कभी जो आपका पूजा का भवन होता है जहाँ पे आपने पूजा स्थान रख रखा है उसके ओर है वो आप जली या गंगा जल छिड़क सकते हैं, इससे क्या शुद्धि बनी रहती है आपके मंदिर में। तो जहाँ पे भी आप पूजा घर बना हुआ था उसके चारों तरफ आप जल छिड़क सकते हैं। नेक्स्ट है कि घर के आसपास कंटीले या जहरीले पेड़ नहीं होने चाहिए, कभी भी आपको लगाना भी नहीं चाहिए, और अगर बाय द वे उग भी गए हैं तो उनको आप दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं उखाड़ के, उनको आपके घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि कौन कौन से पेड़, जैसे बबूल हो गया, जैसे खेजड़ी हो गया, जैसे झाड़ी का पेड़ होता है, झाड़ होता है, बहुत सारे कंटीले पेड़ होते हैं, वो नहीं होने चाहिए, अन्यथा आपके होता है असुरक्षा का भय रहता है आपको, तो वो भी नहीं लगाने चाहिए। आप दूसरी जगह पे लगा सकते हैं दूर, अगर आपके घर के आसपास उग गए हैं तो। नेक्स्ट है कि कहीं जाने हेतु आप घर से रात या दिन के ठीक 12 बजे नहीं निकलना चाहिए। आप थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन ठीक 12 बजे नहीं निकलना चाहिए आपको, ये अशुभ होता है घर से निकलना। नेक्स्ट है, किसी महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं तो घर से आप या तो दही खाकर निकलें,
अपने बहुत से, जैसे आप सीरियल वगैरह देखते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, मूवीज़ में दिखाते हैं कि कोई भी शुभ काम करने जाते हैं तो उनको दही चीनी खिलाया जाता है, तो वो शुभ होता है दही चीनी खा के जाना। ऐसा माना जाता है कि दही चीनी खा के जाते हैं तो आपका जो कार्य करने जा रहे हैं वो बन जाता है, काम आसानी से बन जाता है वो। इसलिए दही खाकर निकलें या फिर आप मछली होती है उसका दर्शन करके निकलें, ये दोनों ही शुभ होते हैं आपके लिए और काम आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है आपके शनि नाराज हैं आपसे, शनि महाराज नाराज हैं और जीवन में आपके हैं वो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो घर में आप शमी का पेड़ लगा दीजिए, वो इससे शुभ होता है आपके घर में शमी का पेड़ लगाना। इस पेड़ का संबंध है वो शनि महाराज से है, ऐसा माना जाता है कि वो शनि महाराज का ही पेड़ होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, वास्तु विज्ञान के अनुसार शमी को, समूह का जो पौधा होता है उसको घर के मुख्य द्वार पे लगा सकते हैं, आप गमले में लगा सकते हैं, अगर आपके आगे गार्डन है तो गार्डन में लगा सकते हैं, और बाईं ओर लगाना है आपको, जो मुख्य द्वार होता है उसके बाईं ओर लगा दीजिए और नियमित रूप से उसमें सरसों का दीपक जलाइए, देखिए आपके काम कैसे बन जाते हैं आराम से। हम हर काम आसानी से बनेंगे, बहुत ही परफेक्टली होते जाएंगे, अपने आप ही काम बनते जाएंगे आपके। नेक्स्ट है कि रसोई घर में कभी भी जूते चप्पल नहीं पहन के जाने चाहिए। आपने देखा होगा कि गांव में कच्ची रसोई होती है, बाहर भी चूल्हा बना के रखते हैं लेकिन वहां पे भी चप्पल जूते नहीं लेके जाते हैं क्योंकि अशुभ माना जाता है जूते चप्पल लेके जाना। लेकिन आजकल क्या होता है, ठंड के मौसम में चप्पल जूते लेके चले जाते हैं क्योंकि जो फर्श वगैरह होते हैं वो ठंडे होते हैं, और तो आप उसमें चप्पल जूते वैसे तो नहीं लेके जाना चाहिए क्योंकि रसोई घर का वास्तु है वो दूषित हो जाता है, दूषित होने लगता है इससे। रसोई के अगर आप फिर भी ले जाना चाहते हैं, ठंड है तो आप क्या कर सकते हैं, जो लकड़ी की चप्पल होती है वो लेके जा सकते हैं, और चप्पलें नहीं ले जाएं, प्लास्टिक की रबड़ की ये चप्पलें पहन के ना जाएं, आप लकड़ी से बनी चप्पल पहनकर जा सकते हैं और ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाती हैं ये सब चप्पलें, तो आप किचन के लिए आप अलग से वो चप्पल रख सकते हैं किचन में पहनने के लिए। नेक्स्ट है कि जिस कमरे में आप सबसे ज़्यादा बैठते हैं, यानी कि जो आपका लिविंग रूम है आपका, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पे टीवी वगैरह लगा हुआ होता है और जहाँ पे आपकी नज़र ज़्यादा पड़ती है जिस दीवार पे, तो वहाँ पे क्या करें, उस दीवार पर जैसे आप ऐसी फ़ोटो लगाएं जैसे कि कृष्ण के माता पिता और कृष्ण भगवान, माता पिता और बच्चों की ऐसी फ़ोटो लगानी चाहिए। इससे क्या होगा, माता पिता में और बच्चों में प्यार बना रहता है, तो ऐसी फ़ोटो आपको उस दीवार पर लगानी चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ 12 टिप्स बताई हैं आपकी वास्तु दोष के अनुसार कि आपको क्या करने ही करना चाहिए, और बहुत सारी होती हैं जैसे कि आपको शाम को पोछा नहीं लगाना चाहिए, शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए क्योंकि घर से लक्ष्मी चली जाती है, शाम को पोछा झाड़ू लगाते हैं तो वो अशुभ माना जाता है। घर में दीपक हमेशा जलाना चाहिए, घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे बरकत आती है। तो ये सब उपाय हैं बहुत सारे करने के लिए, और जो नहीं करने के होते हैं वो भी बहुत सारे हैं, वास्तु के अनुसार नहीं करने चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। वैसे ही नेक्स्ट यूजफुल वीडियो मैं लेके आती रहूँगी और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।